Good evening, everyone. Welcome you again to the webinar of Empower People. Today we are having with us Jyoti Goyal, who is going to talk about domestic violence, especially in context of the ongoing lockdown. So let's welcome Jyoti Goyal to take over the webinar for this evening. Thank you so much, Reema ji, Sumita ji, and Neha ji. मुझे मौका देने के लिए मेरा नाम ज्योति गोयल है और एम्पावर पीपल ने मुझे मौका दिया घरेलू हिंसा पे बातचीत करने के लिए. ये बातचीत मैं हिंदी में रखूंगी ताकि हम सब इसको अच्छे से समझ पाएं. और आपसे गुजारिश है कि आप पार्टिसिपेट करें, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट पे ज़रूर लिखें, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे उन सबका जवाब देने की. शुक्रिया. घरेलू हिंसा की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि हम ये बात आज के टाइम में क्यों कर रहे हैं. लॉकडाउन के टाइम में अगर हम बात करें तो घरेलू हिंसा के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है. नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने जो हमें डेटा दिया है उसके मुताबिक 23 मार्च से 16 अप्रैल तक 239 कंप्लेंट्स आई हैं, जो कि ऑलमोस्ट डबल है पिछले 25 दिनों के मुकाबले. ये जो स्थिति है ये काफी गंभीर है, काफी चौंका देने वाली है. और हाल फिलहाल हमारे कोर्ट ने भी आदेश दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, कि वो इस मामले में कुछ कदम उठाएं और देखें कि कैसे इन चीजों को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है. उसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा और डेटा अगर शेयर करूँ तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जो रिसेंट सर्वे कंडक्ट किया उसके मुताबिक 2019 में ये सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक 52% यानी कि 52% महिलाओं का ये कहना है कि ये ओके है, घरेलू हिंसा ओके है, चलता है, कोई बात नहीं. और इसी तरह से 42% आदमी लोगों का ये मानना था कि घरेलू हिंसा आम बात है और ये उनको बहुत आसान और कबूल करते हैं इस चीज़ को कि ये होना बड़ी चलता है, आम बात है. तो ये इस तरीके की परिस्थितियां हैं. और अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें कि कितनी परसेंट महिलाएं जाके रिपोर्ट करती हैं तो 2015-16 में जो है 33% महिलाओं ने कहा कि हमारे साथ घरेलू हिंसा होती है, लेकिन 1% से भी कम महिलाएं ऐसी हैं जो सच में पुलिस के पास जाकर या किसी और संस्था के पास जाकर रिपोर्ट करती है. तो इस तरीके से हमारा ये डेटा कहता है, परिस्थिति इस तरीके से है. लॉकडाउन में ऐसा बढ़ गया, इसका क्या वजह है ये आप कमेंट में अपना शेयर कर सकते हैं. कुछ चीजें तो हम जानते ही हैं, जैसे कि एक ही घर में अगर आप अपने जैसे कि अगर आप एक ही घर में अपने उन व्यक्ति के साथ रह रहे हैं जो अब्यूज करता है, तो ऐसे में 24 घंटे अगर आप उन्हीं के साथ वक्त बिता रहे हैं तो हिंसा का चांस बढ़ जाते हैं. और लॉकडाउन के टाइम पे टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों को भी बढ़ावा मिला है, तो इससे हिंसा का बढ़ना लाज़मी हो जाता है. तो इस ये कुछ वजह हो सकती हैं. वजह और आपको क्या लगती है, आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट में जरूर शेयर करें. अब घरेलू हिंसा है क्या, हम उसको समझते हैं. और उसको समझने के लिए हम एक कानून की बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा, जो 2005 में कानून आया था. वो क्या कहता है घरेलू हिंसा के मामले में, हमारे भारत में क्या क्या कानून है इसको लेके, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे. घरेलू हिंसा की जब बात करें तो यहाँ जो घर होता है उसको बोलेंगे सांझी छत, यानी कि ऐसा घर जहाँ पे एक आदमी और औरत साथ में रह रहे हैं. उनका रिश्ता शादीशुदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग रिश्ते इसमें कवर किए गए हैं. ये जो कानून है ये सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ ससुराल को कवर करता है, ये महिलाओं के नजरिए से कई तरीके के घरों को कवर करता है. विक्टिम जो अगर माने, जो पीड़ित होंगे वो हमेशा महिला ही होंगी, किसी भी एज ग्रुप की हो सकती हैं, वो शादीशुदा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो बच्चा भी हो सकता है. तो ये सारी चीजें इसमें हमें जानना, ये अच्छी बात है कि ये काफी चीजें इसमें कवर की गई हैं. और अगर हम अक्यूज्ड की बात करें, जो गुनहगार हो सकते हैं, वो प्राइमरीली यानी कि मेल्स को माना गया है. महिलाओं के खिलाफ ये इस पे आप नहीं बात कर सकते, ये हमेशा मेल के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं. महिला कोई को अक्यूज्ड हो सकती है लेकिन प्राइमरी अक्यूज्ड नहीं हो सकती हैं. तो अगर हम ये सारी चीजों को समझते हुए समझे तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगी
मियाँ बीवी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता और इनफैक्ट लिव इन रिलेशनशिप भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं। तो काफी सारी चीजें इसमें कवर होती हैं और इस कानून का आइडिया ही ये है कि महिला जो है उनको एक हिंसा मुक्त घर मिले, हिंसा मुक्त परिवार मिले, ये इसका आइडिया है। अगर आप में से जो भी लोग हैं, सुमति जी, रीमा जी, अगर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर कीजिए। मैं आप मुझे बीच में रोक सकते हैं, आप अपने विचार जरूर रखिए इसके बारे में। हिंसा की अगर हम बात करते हैं तो हिंसा क्या है, किस तरीके की हिंसा होती है? 5 तरीके से हम हिंसा को बांटना चाहेंगे। जो कानून कहता है वो उस 5 तरीके में उसने बांटा है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा आप समझने में बड़ा आसान है कि अगर कोई पति अपनी बीवी पे हाथ उठा रहे हैं, शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो शारीरिक हिंसा में आएगा। नंबर 2 है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा, अगर आपको अपना खर्चा पानी रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है तो वो भी एक तरीके की हिंसा मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर कोई माँ है, उसको उनका बेटा 2 वक्त का खाना और एक अच्छी सहूलियत रहने के लिए नहीं दे रहा है, वो आर्थिक हिंसा में आएगा, वो भी इसमें काउंट होगा, कंसीडर होगा। यौन हिंसा, यौन हिंसा, अगर जबरदस्ती आपके साथ कोई यौन हिंसा करता है, आपके साथ रेप करता है, तो ये भी इस कानून के अंतर्गत कवर होता है। मानसिक हिंसा, यानी कि अगर आपको कोई इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, छू नहीं रहा है लेकिन इस तरीके से आपको कुछ कह रहा है या इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी इसमें आता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई भाई है जो अपनी बहन को पढ़ने से मना करता है, उसकी इच्छा के खिलाफ उसको रोकता है, उसको नौकरी करने से मना करता है, तो ये भी हिंसा में आएगा, घरेलू हिंसा में आएगा। उसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो है मौखिक हिंसा, शब्दों से किसी को के साथ हिंसा करना, किसी को टॉर्चर करना। इसका उदाहरण अगर मैं आपको अगर दूं तो हमारे समाज में हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई महिला है जिसको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उनको अक्सर एक शब्द से बार बार प्रताड़ित किया जाता है, उनको बांझ कह के बार बार बुलाया जाता है। इस तरीके की प्रताड़ना किसी को शब्दों से करना, ये भी किसी भी महिला के मानसिक स्वास्थ्य को बहुत इफेक्ट करती है, असर करती है, बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है उनके स्वास्थ्य पे, तो ये भी इसमें कवर होता है अगर कोई मौखिक रूप से इस तरीके से आपको परेशान कर रहा है। तो इस तरीके से घरेलू हिंसा के अलग अलग नजरिए हैं और अलग अलग रिश्ते इसमें कवर होते हैं। महिलाओं के नजरिए से एक बहुत ही अच्छा कानून है जिसमें उनको राहत देने के अलग अलग प्रोविजन हैं। 2 चीजें इसमें हम बात कर सकते हैं, एक तो राहत देना जो पीड़ित महिला है उसको, और दूसरा सजा मिलना जो गुनहगार है उसको। ध्यान ज्यादातर राहत पे हम अगर दें, आज अभी के टाइम में ज्यादा ये जरूरी है कि वो जो महिला है उनको राहत मिल सके। इसके साथ ही ज्यादातर हम अपने समाज में देखते हैं कि महिला ये नहीं चाहती है कि सजा मिले, मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरे 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 पापा को, या इनको वो नहीं चाहती कि सजा मिले, वो ये चाहती हमको राहत मिले, हमको अपना अधिकार मिले। उस नजरिए से, इस नजरिए से ये कानून बनाया गया है। तो अगर आपको नौकरी पे नहीं जाने दिया जा रहा, वो राहत आपको इसमें मिलेगी। अगर आपको रोज का खर्चा नहीं मिल रहा है, वो राहत इसमें मिलेगी। और कौन दिलवाएगा? ये कोर्ट आपको ये राहत दिलवाएगा। कोर्ट आदेश देगा उन 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 आदमी लोगों को कि वो इस प्रताड़ना को बंद करें, वो आपको खर्चा दे, वो आपको नौकरी पे जाने दे, वो आपको मारे नहीं। ये सारी राहत जो है वो कोर्ट दिलवाता है, मैजिस्ट्रेट दिलवाता है। अब ये कैसे होता है इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि कैसे राहत मिलती है, और इस राहत को जो कानून में शब्द दिया गया है वो दिया गया है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हेलो, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? एक बार मैं कंफर्म करना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके, सुमति, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस मैम, आई कैन हियर यू। ओके, ठीक है। आई होप मेरी आवाज साफ आ रही है आपको। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके,
अब राहत जो शब्द है, जैसा मैं बता रही थी, उस राहत शब्द को कानून में प्रोटेक्शन ऑर्डर नाम की चीज दी गई है, जिसमें आपको सुरक्षा मिल सकती है, रहने की सुरक्षा, खर्चे की सुरक्षा, शारीरिक रूप से सुरक्षा, इस तरीके की सुरक्षा। अब इस सुरक्षा दिलवाने में जो लोग हैं, जो काम करते हैं, वो दो एंटिटीज हैं, दो लोग हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक सर्विस प्रोवाइडर। तो सरकार ने दो एक बॉडीज बनाई है। सर्विस प्रोवाइडर वो संस्थाएं हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हो सकते हैं, जो महिला हिंसा पे पहले से काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सरकार में अप्लाई करते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफिसर एक अपॉइंटेड पर्सन है, महिला होती है, कंपलसरी है, महिला ही होंगी वो, जिनको एक्सपीरियंस हो, जिनके पास एक डिग्री हो, इस MSW हो, LLB हो, वो प्रोविजंस होते हैं सरकार के, वो उनके ये एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो ये दो लोग, अब ये दो लोग क्यों हैं, इसका मैं आपको कारण बताती हूँ। अब क्या होता है, महिलाओं को अक्सर ये होता है कि हम इतनी दूर कोर्ट में कैसे जाएंगे, खर्चा कैसे देंगे हम आने जाने का, कोर्ट के चक्कर कौन काटेगा, पुलिस के पास हम नहीं जाना चाहते हैं, ना ही हम चाहते हैं कि पुलिस हमारे घर के दरवाजे पर आए। ये सारे महिलाओं की कुछ टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं जब घरेलू हिंसा की बात होती है। तो इन सबको दूर करने का इलाज जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर है। ये आपके और कोर्ट और पुलिस के बीच का एक मीडियम है जो आपको राहत दिलवाएगा। आपके कागज बनवाने से लेके आपके लिए चक्कर काटने का काम जो करेंगे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर करेंगे। इनका आपको नंबर अगर चाहिए तो गूगल आप करेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सर्विस प्रोवाइडर का प्रोविजन है, कहीं पे एक्टिव है, कहीं पे एक्टिव नहीं है, डिपेंड करता है किस राज्य ने उसको कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो वो आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज और एड्रेसेस वगैरह ये सब मिल जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, आप उनको कांटेक्ट करेंगे, वो आपसे डिटेल्स लेंगे, आपके कागजात तैयार करेंगे, आपकी परिस्थितियों को समझेंगे और आपकी तरफ से वो जाएंगे कोर्ट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास, आपकी अपील लेके। फिर मैजिस्ट्रेट वो प्रोटेक्शन ऑर्डर, वो राहत देता है, जो वो गुनहगार है, जो वो आदमी है, वो उनको बोलेंगे कि आप ऐसा ना करें और आप अपनी अपनी बहन, माता, बीवी, जो भी हम कह सकते हैं, उनको एक अच्छा घर, एक हिंसा मुक्त घर आप उनको प्रोवाइड करें। तो इस तरीके से ये कानून कहता है और ये बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया, बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस हैं। 2005 में लागू हुआ, 2020 पर आज हम हैं, और इसको और भी अच्छा हम कर सकते हैं अगर इम्प्लीमेंट हम अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है घरेलू हिंसा के कारण क्या क्या हैं, हमारे समाज के नजरिए से अगर देखा जाए तो। रीमा जी, सुमति जी, नेहा जी और ख्याति, ख्याति जी, मैं आप सबसे ये सवाल पूछना चाहूंगी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाय ख्याति, हाँ ज्योति, जी, आप मुन, हाय हाय। ख्याति, हाँ जी, हाय। तो आई थिंक दैट पहली बात तो कि पैट्रियार्की, पितृसत्ता जो करीबन आई डोंट नो कितने सालों से चली हुई आ रही है, एंड आई थिंक मैन थिंक दैट दे हैव अ कंट्रोल ओवर देम। ओके, दे हैव अ मतलब अगर लड़की शादी करके आई है, दैट मीन्स चाहे वो किसी भी घर से आई हो, जैसे भी हो, बट दे थिंक दैट अब वो यहाँ आ गई है तो दैट मीन्स दैट शी इज गोइंग टू स्टे फॉर एवर एंड दे हैव ऑल द राइट्स ओवर हर। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब कंट्रोलिंग एक जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, बिकॉज दे हैव बीन ट्रेन्ड लाइक दिस, दे हैव बीन रेज्ड अप लाइक दिस, द मेन आर ऑल्सो रेज्ड अप लाइक दिस, दे हैव बीन रेज्ड अप बाय सीइंग देयर ओन फादर्स डूइंग दैट सेम थिंग टू देयर मदर्स। सो that also plays a very big role, that how the way you are accustomed, the way you are trained to do something. तो जैसे वो जो भी देखते हैं अपनी फैमिली में या सराउंडिंग्स में, तो उनको ये दिखता है कि कंट्रोल करना, तो मतलब वो मुझे तो ये लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मोर ऑफ अ एक एक मतलब कि ठीक है, अगर ये कुछ गलत करेगी और मेरी मेरी बात नहीं सुनेगी, देन आई हैव ऑल द राइट्स टू बीट हर, ऑल द राइट्स टू अब्यूज हर और वॉट एवर। So that is what I think. थैंक यू ख्याति जी, आपने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स बताए हैं और आई थिंक ये काफी जरूरी है ये समझना कि पावर रिलेशन इसमें कहीं ना कहीं
ऊंच नीच का रिश्ता जरूर इसमें कहीं इन्वॉल्व होता है, चाहे वो मियाँ बीवी की बात हो या और भी कहीं रिश्ते होते हैं। तो कि आपने कहा कि एक बार अगर शादी हो गई तो उनको लगता है कि अब कहीं इस शादी से बाहर नहीं जा सकते, शादी से बाहर जाने के जरिए नहीं है। आई थिंक आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। और पावर की बात करें तो शायद कहीं ना कहीं मर्दों का पावर औरतों से ज्यादा होता है रिश्तों में, तो ये भी इसका वजह बन जाती है इस हिंसा की। थैंक यू सो मच। आप और कोई शेयर करना चाहेंगे, रीमा जी, सुमति जी, नेहा जी? जो भी इसको लाइव देख रहे हैं प्लीज आप भी अपने व्यूज शेयर किए, अपने आप भी बताइए कि आपको क्यों लगता है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा क्यों इस हद तक हम हमारे समाज में होता है, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन में खासकर आपको क्यों लगता है ऐसा होता है, अगर कोई बताना चाहे। हेलो ज्योति जी, मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी इसमें। जैसे कि ख्याति मैम ने कहा कि जैसे पावर रिलेशन की अगर हम बात करें तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों का एटीट्यूड बहुत वायलेंट होता है, और अक्सर हम अपनी मेंटल स्ट्रेस और अपने अपने फ्रस्ट्रेशन और एंग्जाइटी के जो हम पब्लिक स्फीयर से लेकर आते हैं, बाहरी दुनिया से लेकर आते हैं, वो हम ऐसे इंसान पे निकालना चाहते हैं पब्लिक प्राइवेट स्फीयर में जो हमसे कहीं ना कहीं मतलब कम रखता हो। तो इसी तरीके से अगर हम आदमी औरत में देखेंगे तो आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बाहर की एंग्जाइटी, टेंशन अक्सर ऐसा देखा जाए तो घर आके अपनी औरत पे निकालता है। बहुत बड़े बहुत बहुत पदों पे ऐसे आदमी लोग रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल कह लो, वाइस प्रेसिडेंट कह लो, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो लोग रहे हैं उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस मैंने देखे हैं। वो पब्लिकली बहुत बहुत काम होते हैं, बहुत कूल होते हैं, बट अपनी प्राइवेट स्पेस पे उतने ही वायलेंट होते हैं। थैंक यू। आई थिंक आपने काफी अच्छा पॉइंट बताया, और मैंने ये पॉइंट आपका सुन के मुझे थप्पड़ फिल्म याद आ गई। अब मुझे नहीं पता किस किस ने देखी है, बट उसमें एक यही दिखाया गया है कि हस्बैंड को ऑफिस की टेंशन होती है और उस चक्कर में वो बीवी पर हाथ उठा देते हैं, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप अपना कहीं और का गुस्सा कहीं और दिखा रहे हैं, और वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपके सामने वाला इंसान आपको कमजोर दिखता है और आपको पता है कि आपका कंट्रोल है उसके ऊपर। थैंक यू नेहा जी, आपने ये पॉइंट शेयर किया। और कोई अपना कोई शेयर करना चाहेंगे, अगर थप्पड़ मूवी किसी ने देखी या कोई और फिल्म आप शेयर करना चाहें या कोई किस्सा आप बताना चाहें अपने आसपास का? हेलो, तो मैं जिस स्लम में काम करती थी वन ईयर बैक, वो ये आपका नेहरू प्लेस के पास पड़ता है, तो वहां पे मैंने एक केस देखा था जहाँ पे हम डोमेस्टिक वायलेंस के विमेन को काउंसिल करते थे। तो हमने बहुत कोशिश करी उनको समझाने की, और जब मैंने जागोरी में भी काम किया था तो भी मैंने ये केसेस देखे कि विमेन यूजुअली बहुत ज्यादा मतलब दे डोंट वांट टू डिस्कस, तो दे कीप ऑन सेइंग कि कोई बात नहीं, अरे अब मर्द है, काम करके आता है, थक जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा पीट पाट दे तो क्या हो गया आज, चलो अब दो तीन थप्पड़ ही तो मार रहे हैं, कोई ये थोड़ी तो नहीं कर देना कि बॉटल उठा के मार दियो। तो आई थिंक दैट the way men are accustomed and men are trained to you know show that power relation, we as women have also accepted the fact that we are weaker no matter what, but we have also accepted ki hai agar hum kuch bolenge to are wo humko kuch kahenge, we are not able to speak up also, matlab speak up in the sense ki bagawat ke liye nahi but normally also hum apni baat nahi rakhte kyunki hame dar lagta hai ki shayad wo banda humse zyada powerful hai, wo pakka hame pitega। तो एक एक हमने भी अपनी सोसाइटी में, क्योंकि जिस तरीके से हमें हमें कस्टम किया गया है कि हमेशा बेटा शान से बैठो, बेटा ऐसे मत करो, बेटा आवाज नीचे करो, बेटा पति का घर ही तुम्हारा घर है, तो वो सब चीजों से हम भी बहुत ज्यादा कस्टम हो चुके हैं। तो आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ यू नो वी हैव आल्सो गिवन देम पावर टू कंट्रोल अस। आई थिंक ख्याति जी आपने बहुत दो खूबसूरत पॉइंट बताए हैं, बहुत रेलेवेंट है कि एक तो हमारी परवरिश जो हमें ट्रेनिंग मिलती है कि हम कभी कभी जो देखते हैं वो कॉपी करते हैं, कई बार हम खुद घरों में हिंसा होते हुए देखते हैं तो उसको हम कॉपी करने लगते हैं, तो वो चलता आता है, एक साइकिल बन जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। और फिर उसके बाद आपने बोला कि हम महिलाएं भी कबूल कर लेती हैं, मान लेती है कि ये तो होता है, चलता है, इतना तो होता ही है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी निकल कर आया था कि 52% महिलाओं ने बोला कि
चलता है और ये तो होगा ही अगर हम गलती करेंगे तो, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये काफी सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। एक चीज मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी कि अभी हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात की है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड जब कोरोना आया, लॉकडाउन शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड ये किस्से काफी बड़े हैं, और चाइना से लेके फ्रांस से लेके हर कंट्री में कंप्लेंस की बढ़ोतरी हुई है, और हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से कुछ मेजर्स लागू किए। जैसे कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने बोला कि हम अगर कोई महिला अपने घरों में फेस कर रही है घरेलू हिंसा, तो हम उनको शेल्टर होम में, जैसे होटल में हम फ्री बुकिंग करवा देंगे उनकी, वो कुछ दिनों के लिए जब तक वो परेशानी उनको लग रही है वो हम उनका पे करेंगे, वो होटल में अपने सुकून से रह सकती हैं। ये फ्रेंच गवर्नमेंट ने प्रोविजन निकाला, तो ये भी एक कितना काम का उस महिला के लिए राहत हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग सरकारें निकाल रही हैं। बट एज सेड कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये चीज निकाली, तो आई ऑल्सो थिंक कि कब तक ना, मतलब ये टेम्पररी सोल्यूशन है ना, मतलब आप शेल्टर होम में रख लोगे या उनकी बुकिंग करा के उन्हें होटल में रखवा दोगे, बट फॉर कितने दिन? हमें ये भी तो बहुत समझनी पड़ेगी कि हम ज्यादा दिन उनको नहीं रख सकते, वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। और लॉकडाउन एक ऐसी चीज है, आई थिंक अभी हम देख ही रहे हैं फॉर दैट मैटर इन इंडिया, कि 21 दिन के बाद अभी 19 दिन और, एंड वी डोंट नो टिल वेन। सो बाय द टाइम, मतलब अगर लॉकडाउन ऐसे एक्सटेंड होता रहा एंड द विक्टिम इज स्टेइंग विद द पर्सन हु इज, यू नो, हु इज वायलेटिंग हर, तो आई डोंट थिंक दैट दिस गिव्स अस अ परमानेंट सोल्यूशन। एंड ऑल्सो विद द इंक्रीजिंग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड। इवन जो, जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें कि एक औरत जो मतलब लोग के घर पे जाके बर्तन करती, तो वो रोज चली जाती थी घर से, और शी यूज टू गेट एन एस्केप। But now, when she's in the house, she has to stay with that man. He can also suffer her financial insecurities and emotional insecurities altogether. And she can't even say no to him. She can't say anything to him because उसके पास कोई और चारा ही नहीं है। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि या तो हम इस चीज को essential services में include करें as an Indian government, कि अगर हमें लगता है तो like straight strict measures should be taken very very fast, because otherwise ऐसे तो 4 दिन बाद 5 दिन उसको वापस वहीं पे आप झोंक दोगे, समझा बुझाके, तो उसकी कंडीशन और मिजरेबल ही होएगी। मैं आई थिंक दिस आपकी बात से, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये जो टेम्परेरी मेजर्स हम कब तक करेंगे, शायद एक कुछ ऐसा हो सके जिससे एक घर के अंदर ही उनको खुशी मिल सके, हिंसा मुक्त हो सके। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और फाइनेंशियल फैक्टर जो आपने बोला है, ये मुझे लगता है लॉकडाउन में काफी मायने रखता है। लॉकडाउन में वैसे ही फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, नौकरियां चली गई हैं, जो महिलाएं काम के बहाने बाहर जाके थोड़ा सा राहत पा सकती थी वो उनके मौके चले गए हैं। मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं कि बाहर जाने, घर से बाहर निकलने के मौके इतने कम हो गए हैं, तो 24 घंटे घर में रहना, फिर ऊपर से नौकरी छूटना, फाइनेंशियल स्ट्रेस होना, थोड़ा गरीबी भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ा है कि इतने ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये सारे काफी पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं समझने में, और हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि शायद हमको सोचने की जरूरत है कि लंबे समय के लिए हम कैसे इन चीजों को 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 मिटा सकते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें और बाकी कुछ और भी देश हैं, वहाँ पे घरेलू हिंसा एक अहम मुद्दा है। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिला हिंसा की अगर बात करें, तो उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट क्राइम जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस है। इनफैक्ट पिछले साल एक स्टडी हुई थी वर्ल्ड वाइड, तो मैं उसका नाम नहीं बता पा रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस स्टडी ने बोला था कि जितनी मौतें होती हैं उसमें से एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो विमेन्स की डेथ होती है वो घरों के अंदर होती है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस सुसाइड हो या मर्डर हो या फिर कुछ और रीजन हो। तो ये काफी, ये जो खबरें और ये जो डेटा है ये काफी चौंका देने वाला है, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लंबा सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। कुछ संस्थाएं हैं, कुछ एनजीओज हैं जो इस तरफ काम कर रहे हैं, कुछ जेंडर सेंसिटाइजेशन पे ट्रेनिंग देते हैं, कुछ कुछ औरतों को ट्रेन करते हैं वो इन चीजों को समझें, इन चीजों के लिए कुछ करें, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, सालों लगेंगे इस मुद्दे को बदलने में। थैंक यू ख्याति फॉर शेयरिंग योर व्यूज। आप में से कोई भी कुछ और शेयर करना चाहता है लॉकडाउन और घरेलू हिंसा का क्या
क्या लेना देना है, और आप अपना कुछ भी व्यू शेयर करना चाहते हैं प्लीज कीजिए। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक था। सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूंगी स्पीकर को, और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी एक पार्टिसिपेंट का सजेशन था ये, कि बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट सजेशन था कि क्या प्रोटेक्शन ऑफ सच वुमेन कैन बी कंसिडर्ड एन एसेंशियल सर्विस। आई थिंक सभी ने सुना होगा ये सजेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड सजेशन, इट्स वेरी कॉन्क्रीट, इट्स समथिंग एम्पावर पीपल कैन वर्क फॉर एक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एम्पावर पीपल। क्योंकि हमको जब भी हम गवर्नमेंट से मिलने, किसी से मिलने चाहते हैं ऑफिशियल से या पॉलिसी मेकर से, वी नीड कॉन्क्रीट आइडियाज, वी डोंट वॉन्ट जनरलाइजेशन एंड मतलब जनरल जो नॉलेज हो चुका है आज के डेट में पेट्रियार्की के बारे में। सो दिस सजेशन इज वेरी गुड दैट इन एट एनी टाइम देर इज अ लार्जर क्राइसिस, चाहे वो कोई और तरह का क्राइसिस हो, एनवायरमेंटल कोई हो कुछ इस तरह से, या अभी जैसे ये कोरोना का है, तो व्हाट वी नीड इज दैट कैन वी हैव सम थिंग्स जहां पे द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड आर फर्दर एक्सप्लॉयटेड, जैसे विमेन अभी हो रही हैं घरों के अंदर, तो क्या उसको हम एसेंशियल सर्विस मान के उनको प्रोटेक्शन देना जरूरी माने। और ये बात मैं बोलना चाह रही थी कि ये बहुत अच्छा कॉन्क्रीट सजेशन है शफीक, और लोगों सबके लिए से मेरा ये के लिए मेरा ये सजेशन है कि इसको इस पे थोड़ी विचार की जरूरत है, इस सजेशन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। काफी अच्छा सजेशन है ये, काफी कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक है। और सेकेंडली, मैं भी इन चीजों के बारे में काफी पढ़ रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस, इंक्रीज इन डोमेस्टिक वायलेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस लॉकडाउन इन एवरी कंट्री across the world, most of the countries across the world, and I feel that kai jagahon mein kabhi kabhi hamara solution bhi problem aur badha deta hai. To jaise ek jagah likha tha wahan pe ki jaise kai log ye kehne lage the ki ab jaise women are battered inside the house, they are beaten up, whatever, unko kahin aur le jao, to wo immediate protection ka solution hai. लेकिन कई लोग ये कह रहे थे कि दैट वुमन शुड नॉट बी टेकन आउटसाइड द हाउस। कई बार क्या होता है ये जेंडर वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट, डोमेस्टिक जेंडर वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जो अप्रेस्ड है उसको हटा देते हैं उस सिचुएशन से, तो कई बार उसका क्लेम नहीं बन पाता है फिर उस जगह में। सो शुडंट द वुमन हैव द राइट टू द फर्स्ट राइट टू दैट हाउस। कई वायलेंस में, डोमेस्टिक वायलेंस में, ये बहुत ही सेंट्रल क्वेश्चन है कि जो विक्टिम है उसको क्यों हम सोचते, हाँ हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन क्यों हम ये सोचते हैं कि उसी को हटा देना चाहिए। हटा हर जगह हम क्रिमिनल को हटाते हैं ना, तो क्यों केवल डोमेस्टिक वायलेंस के केस में हम ये सोचते हैं कि ओप्रेस्ड को ना हटा, ओप्रेसर को ना हटाएं और ओप्रेस्ड को हटाएं। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? सो दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू थिंक अबाउट। आई डोंट हैव आंसर्स। I personally feel there is a lot of strength in this argument कि क्यों हम oppressed को हटाते हैं, क्यों हम oppressed को वहां से ले चले चले जाते हैं, then there is, there may be litigation, there will be a huge process, she may never be able to come back there. केवल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई भी कंट्री हो, लेकिन oppressor का वो comfortable environment, उसके होम environment में उसको रहने का freedom रहता है उसके बाद भी, even though he is the perpetrator of the crime, not she. So I just wanted to add these two points. Thank you so much, Savitri ji. आपने मेरे को लगता बहुत, आपने बहुत सही बात बताई है. पहला पॉइंट जो आपने बताया बहुत कॉन्क्रीट है कि क्यों ना, वो मेरे ख्याल किसका सजेशन था, इफ आई एम सॉरी मैंने मिस कर दिया, किसी एक का सजेशन, नेहा का था शायद, ख्याति का था, ख्याति जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ख्याति, हाँ ख्याति, ओके, व्हाटएवर इट वाज, इट वाज अ वेरी गुड सजेशन, हाँ जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल से हम इस पे, हमें कदम बढ़ाने चाहिए, विचार आगे बढ़ाना चाहिए। और हाँ जी, और आपने जो दूसरी बात बोली कि हम क्यों महिला को ही क्यों हटा रहे हैं, पीड़ित महिला को ही उस घर से क्यों हटा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से जो उनकी इच्छा है, कई बार महिलाओं की खुद इच्छा होती है कि हमें रहना ही नहीं है उस घर में, तो उस केस में हम हटाने की बात करते हैं। अदरवाइज हम उनसे भी पूछते हैं आपकी क्या इच्छा, आप उसी घर में रहना चाहती हैं, तो कोर्ट उनको आदेश देगा कि आप इसी घर में, इस कमरे में आपका अधिकार है और आपको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है
कि ससुराल वाले बोलते हैं कि आप मेरे को तो धक्का भर के निकाल के बाहर कर दिया, या ससुराल वाले दबाव बनाते हैं कि घर छोड़ दो। तो ऐसे केस में भी मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर देता है कि ये आपका घर है, आपका अधिकार है, आप रहिए वहां पे। और मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही बोला कि क्यों हटाना ही क्यों है, क्यों ना उसी घर में उनको अपने अधिकार मिले। जब रिश्ता बराबरी का है तो क्यों ना अधिकार भी बराबरी के ही हों। Yeah, Jyoti ji, I also have a question ki whenever we talk about domestic violence, we only talk about the victim and like the oppressor and the oppressed. But when the kids come into the play, like when the kids come into the whole situation, whole story, the situation becomes a lot more complex. Okay, there are many cases where the women also wants to come out of the house. Wo chahti hai ki wo ghar chhod de, but because of the child being there, not being there maybe, but child being associated to the relation, मैंने ख्याल मैंने जितने भी केसेस अपनी लाइफ में सुने हैं, जितने भी केसेस एक्सपीरियंस किए हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक बच्चे के चक्कर में हम कभी भी वो घर छोड़ नहीं पाती, एंड बिकॉज दे नॉट इवन फाइनेंशियली दैट स्टेबल और नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल पीछे से, तो आई थिंक एक डायमेंशनली उस चीज पे वर्क करने की जरूरत है, नॉट ओनली टेकिंग हर आउट ऑफ द हाउस और यू नो जस्ट taking the criminal out of the house or whatever, but I think a lot of factors, जैसे कि empower people, bride trafficking के women के साथ काम करता है, तब वो सारे perspectives को दिमाग में रखता है कि emotionally और financially और कैसे, मतलब हर हमें हर dimension में उस इंसान को आगे बढ़ाना है, तो उस तरीके से शायद हमें domestic violence के लिए भी करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैंने भी जितने केसेस जो भी मैंने देखे हैं, मैंने भी यही मजबूरियां पाई हैं। मैं मजबूरी ही कहूंगी क्योंकि इसका हल अच्छा कानून होते हुए भी हम कई बार हल नहीं निकाल पाते। कानून होना अलग बात है और उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर पाना अलग बात है। महिलाओं का एक तो अपना बच्चे के देखरेख का फिक्र, और उसके बाद रोजी रोटी की फिक्र, खुद की और बच्चे की, ये दोनों फिक्र उनकी बहुत मायने रखती है, वो सिग्निफिकेंट होती है जब ये इस घरेलू हिंसा की बात आती है। और मैंने भी कई ऐसे किस्से देखे हैं कि महिलाएं पीछे हट जाती हैं या सह लेती हैं बच्चों के लिए, तो ये भी इस तरीके के किस्से मैंने भी कई देखे हैं और ये दुखद है। और शायद इस तरीके की बाकी हल निकले इन चीजों के बातचीत से और काम करते करते। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक हेल्पलाइन निकाली है, वो हम कमेंट पे भी लिख रहे हैं। वो है स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे एक व्हाट्सएप नंबर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने निकाला है ताकि महिलाएं क्विकली जल्दी से उनको अपना मैसेज कर पाए। सो वो हेल्पलाइन है 7217735372। मैं रिपीट कर रही हूँ और हम कमेंट में भी डाल रहे हैं, 7217735372। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने ये हेल्पलाइन निकाली है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो 181 हेल्पलाइन है कि हमारी मदद के लिए, आप उनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल्स होते हैं, आप उनको मेल्स भी कर सकते हैं इस तरीके से। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हैं लॉकडाउन में, स्पेशली NCW जो है वो ये व्हाट्सएप हेल्पलाइन लेके आई है। मेरे ख्याल से हमें इसको आगे सर्कुलेट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, ताकि पता लगे और वो ये ना समझे कि हम अकेले हैं इस जंग में, इस दुख में। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। आखिरी सवाल, बहुत अच्छा लगा ये जो डिस्कशन हुआ, आखिरी सवाल बस एक मैं सबसे के सामने थ्रो करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, जो ये देख रहे हैं उनसे भी मैं चाहूंगी कि प्लीज आप कमेंट जरूर करें कि आपको क्या लगता है, एक सामाजिक तौर पे, एक इंडिविजुअल होने के तौर पे, एक नागरिक होने के तौर पे आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं आप, क्या कदम उठा सकते हैं। ये आखिरी सवाल है, फिर हम आगे क्लोज करेंगे। मैं चाहूंगी सब बताएं इसके बारे में। ख्याति जी, सुमति जी, सावित्री जी, रीमा जी, जो भी बताना चाहें। I think as an individual level, if we talk about being a woman, I'll talk about that only. So as a woman, I think कि अगर हमारे fellow women या fellow relatives या whatever same gender अगर ऐसा कुछ follow करता है, वो मतलब ऐसा कुछ face करता है, तो I think it is very important that
द पर्सन शुड पुट देयर हार्ट्स आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ऐसा लिसनिंग ईयर बनना पड़ेगा कि इंसान अपनी पूरी बात हमसे कहने को रेडी हो जाए. सी ऑलवेज देर आर सम केसेस व्हेन दीज सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल. ओके मे बी बिकॉज ऑफ द चाइल्ड बीइंग देर आर सर्टेन सिचुएशंस मे बी वेरी एडवर्स कि बंदा नहीं ले सकता कोई स्टेप. बट स्टिल आई थिंक अगर वो लिसनिंग ईयर भी उनके पास होगा तो things will get better and then we can take steps आगे दर आगे हम आगे बढ़ सकते हैं जब हमें पूरी कहानी पता होगी. कई बार मैंने ऐसे situations देखी है जहाँ पे जैसे ही उनको पता चलता है like कर दो report मतलब आप एकदम इतनी जल्दी step लेंगे तो I don't think that this is going to put the women in any good situation. If in case the police people are not ready to take any FIR or charge any complaint against the person, against the perpetrator, then she's again back at the same place, which puts her into a very miserable situation. We need to understand, we need to take every step by understanding what can be the consequences and what can be the outcomes. Because jo wo face karega, wo women hi face karegi, hum sirf sun rahe hain aur बाकी समाज सिर्फ देख रहा है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लिए जाए. एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट लेवल आई थिंक पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे घुस के बनने की जरूरत है. इट कैन नॉट बी मेड इन एसी रूम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड गो एट द ग्राउंड एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर रिस्ट्रिक्टिंग अ वुमन टू लीव देयर ओन हाउसेस. थैंक यू. ओके 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 आपने काफी रेलेवेंट पॉइंट बताया कि हम जो पीड़ित महिला है उनके नजरिए से उनको सुने, उनकी बात को समझे, वो क्या चाहती है वो समझे, सिचुएशन को समझ के हम कोई एक्शन ले, ये देखते हुए कि उन पर क्या असर पड़ेगा, महिला पर क्या असर पड़ेगा. थैंक यू सो मच ख्याति जी. और कोई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर शेयर कीजिए. हेलो. हाँ जी. हाँ ज्योति जी, मैं इधर ऐड करना चाहूंगी कि आई थिंक डोमेस्टिक वायलेंस की जहाँ बात करते हैं तो वहाँ एक मेजर इशू ये आता है कि यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग या फिर अनरिपोर्टिंग ये बहुत ज्यादा होते हैं केसेस. मुझे लगता है कि इस टाइम पे हम अवेयरनेस भी फैला सकते हैं इन सब चीजों को लेके कि बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्हें ऐसी हेल्पलाइन नंबर नहीं पता या उन्हें ये नहीं पता कि इस केस में हाउ टू सीक रिड्रेशल, हाउ टू सॉल्व योर इशूज, तो इस चीज को लेके हम इस टाइम बहुत अवेयरनेस कैंपेन या अवेयरनेस फैला सकते हैं ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, एक्नॉलेज कर सके इस इशू को और इस इशू को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले सके. ओके थैंक यू सो मच नेहा जी शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. और कोई शेयर करना चाहेंगे कुछ प्लीज कीजिए, उसके बाद फिर हम तो आगे बढ़ते हैं, क्लोज करते हैं. मैं एक किस्सा बताना चाहूँगी, हमारे पड़ोस का किस्सा है. एक फैमिली रहती थी हमारे पड़ोस में, वो किराएदार थे. तो वो जब आए तो उनके आने के 2-4 महीने बाद से ही ऐसा होता था कि उस घर से कई बार रोने की और मारने की आवाज़ आती थी. और मैं उस वक्त छोटी थी, मुझे इतना पता नहीं था. और जब आवाज़ आती थी तो मुझे बहुत अजीब लगता था, खौफ लगता था. और जब मैं पूछती थी मम्मी से तो मम्मी कुछ बोलती नहीं थी. अब समझ आता है कि वो घरेलू हिंसा का शिकार थी. कई बार उनको मैंने उदास चेहरे उनका देखा है. और उनकी जो वो महिला है, उनकी बेटी हमारे पास ट्यूशन पढ़ने आती थी. तो वो जब ट्यूशन पढ़ने आती थी तो कई बार उनकी 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 बातों से उनकी बात उन बच्ची की बातों से कई चीजें ऐसी इंडिकेट होती थी जिससे पता लगता था कि कुछ गड़बड़ है, उनकी मम्मी को परेशानी हो रही है. वो कई बार शेयर करती थी कि मम्मी रो रही थी, मैंने मम्मी को चुप कराया. ये किस्सा था जो मैंने जीवन में देखा. ये काफी मेरे लिए अजीब था कि कुछ किसी ने कुछ किया क्यों नहीं, आस पड़ोस वाले लोग चुप क्यों थे, उस महिला ने खुद कुछ क्यों नहीं कहा, बच्ची पे क्या असर पड़ रहा होगा इन चीजों का. ये सारे सवाल मेरे दिमाग में काफी घूमे थे. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं. मुझे लगता है शायद उस वक्त कुछ करना चाहिए था. पड़ोसी हैं या आसपास जो लोग जो सुन रहे थे, जो सुन पा रहे थे, किसी के रोने की आवाज आ रही है, कोई मार रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है.
तो वो चीज मुझे लगता है कि हमको करना चाहिए। एक कैंपेन भी एक संस्था ने चलाया था, बेल बजाओ, जिसमें उन्होंने लोगों को बोला, लोगों को एनकरेज किया कि अगर कुछ भी ऐसा किस्सा आप आसपास देखें तो घंटी बजाइए, बातचीत करिए, इन चीजों को रोकने की तरफ कदम बढ़ाइए। ये मैं इंडिविजुअल लेवल पे कहना चाहूंगी। दूसरा, मुझे लगता है कि हम अपने परिवारों में एक छोटी सी शुरुआत करें, हिंसा के प्रति कंट्रोलिंग की समझ बढ़ाने की, पावर रिलेशन को कम करने की एक बराबरी की पहल करें, अपने घरों से शुरू करें, अपने आसपास से शुरू करें और ऐसा ना होने दें। ये मैं कहना चाहूंगी। अगर कोई और कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच ये मौका देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके विचार जान के और अपनी बात कह के। आप में से कोई भी कुछ शेयर करना चाह